हेलो हाय एवरीवन, होप ऑल यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सो बेटा, इन द नेक्स्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट अवर फाइलम एनेलिडा। यस, सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर फाइलम विच इज़ योर आर्थ्रोपोडा। ओके, सिंस बेटा इट्स नेम इज़ आर्थ्रोपोडा, एवरी फाइलम हैज़ देयर मीनिंग कि लाइक उनके वर्ड्स आर्थ्रोपोडा या हम किसी को एनेलिडा बोल रहे हैं तो वाई वी आर सेइंग सो, कुछ तो मीनिंग है ना। मैंने हर फाइलम में तुम लोगों को मीनिंग्स भी बताए हैं। ओके, सो जस्ट लेट्स डिस्कस विद दिस आर्थ्रोपोडा। बेटा आर्थ्रो वर्ड यूज फॉर द जॉइंटेड, आर्थ्रो वर्ड बेटा यूज फॉर द जॉइंटेड, आर्थ्रो वर्ड्स यूज फॉर द जॉइंट्स एंड बेटा पोडा वर्ड यूज फॉर द लेग्स। बेटा पोडा वर्ड यूज फॉर द लेग्स। सो आर्थ्रोपोडा मीन्स इस फाइलम के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वट एवर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्स अंडर दिस फाइलम्स, दे हैविंग अ जॉइंटेड लेग्स, दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट सो आर्थ्रोपोडा। एंड वन मोर थिंग बेटा, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम अमंग ऑल ऑफ द फाइलम, वट एवर द फाइलम वी हैव दैट इज़ योर लार्जेस्ट फाइलम। इट कवर बेटा 2/3 ऑफ द एंटायर फाइलम। येस, यू हर्ड मी राइट, इट कवर्स बेटा 2/3 ऑफ द एंटायर फाइलम। ओके बेटा, अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर तुम्हारे प्यारे प्यारे इंसेक्ट्स हैं, तो देखो उनकी जॉइंटेड लेग्स है ना, दे हैव अ जॉइंटेड लेग्स, तभी तो इन्हें आर्थ्रोपोडा बोल रहे हैं। एंड वन मोर थिंग बेटा, सबसे बड़ी फाइलम है तुम्हारी, ये इतनी ज़्यादा क्यों है, लाइक इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई क्यों कर रहा है। तो बेटा जो इनकी मेन कंपोजिशन है ना, विच इज़ हाइड इन देयर एक्सोस्केलेटन, दे हैव अ एक्सोस्केलेटन बेटा, दे हैव अ एक्सोस्केलेटन। अब नाउ यू आर गोइंग टू से दैट मैम हमारे पास भी तो एक्सोस्केलेटन है। येस, वी ऑल्सो हैव एक्सोस्केलेटन, बट बेटा जो इनका एक्सोस्केलेटन है ना, दे हैव अ इनका जो काइटीन होता है, इनके एक्सोस्केलेटन में क्या होता है, काइटीन होता है। एंड बेटा काइटीन तुमने पढ़ा होगा क्या होता है, ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड की एक लेयर होती है ना, जिसमें नाग एंड दी नैम होता है, काइटीन तुम्हारी फंजाई में भी होता है। तो बेटा इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है विच इज़ मेड अप ऑफ दी काइटीन, तो काइटीन क्या करते हैं, वाटर को बेटा रिटेन करके रखता है, उसे लॉस्ट नहीं होता। सो दिस इज़ द रीज़न दे कैन बी फाउंड इन एवरीवेयर। ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम अमंग ऑल ऑफ दी फाइलम, बिकॉज देयर एक्सोस्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ दी काइटीन लेयर। ओके, दैट्स द थिंग। एंड बेटा वन मोर थिंग, इफ देयर बॉडी इज डिवाइडेड, इफ वी वॉन्ट टू डिवाइड इट देयर बॉडी इन टू द डिफरेंट पार्ट्स, तो देयर बॉडी यूजली डिवाइडेड इन टू द हेड, थॉरिक्स एंड द एबडोमिन। बेटा देयर बॉडी यूजली डिवाइडेड इन टू द हेड, थॉरिक्स एंड द एबडोमिन। ओके, सो वॉट वी डिस्कस्ड बेटा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम अमंग ऑल ऑफ द फाइलम। Why? Because their exoskeleton is made up of the chitin. Okay, that is the reason they can be found in everywhere. Beta, if you want to divide their body, so their body usually divided into the head, thorax, and the abdomen. Okay, and beta, if you see here, so they have a segmentation that is present outside their body. So that type of a segmentation is known as the metamedic segmentation. ओके, वॉट टाइप ऑफ अ सेगमेंटेशन दे हैव बेटा, दे हैविंग अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इज दैट क्लियर। नाउ बेटा हैबिट एंड हैबिटेट, दीज एनिमल्स इनहैबिट अ वेराइटी ऑफ अ हैबिटेट्स लाइक द ओशंस, वाटर्स, लैंड एंड द एयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे कैन फाउंड। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे हैव बेटा, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री जर्म लेयर्स दे हैव, सिलोमेट, यू सिलोमेट, पर्टिकुलरली दे आर दी शाइजोसिलोमेट, बॉडी प्लान इट इज ट्यूब विद इन ट्यूब, दे आर दी प्रोटोस्टोम्स, दे माउथ फ्रॉम दी फर्स्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्लास्टोपोर स्टेज, सिमेट्री इज बायलेटरल, सेगमेंटेशन एज आई टोल्ड यू, यू कैन सी हेयर कि देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन सेगमेंट्स, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट दे हैविंग अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट बिकॉज नोटोकॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ योर कॉर्डेट्स ओनली। ओके, लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट देयर फिजियोलॉजी, डाइजेशन बेटा, देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट
and they having what? Extracellular digestion. As I told you in the initial of the chapter, beta, for the very first time we have seen a respiratory structure in which phylum? That is your arthropoda. बेटा पहली बार हमने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो वेल डेवलप्ड किसी फाइलम के अंदर देखी थी ना, सो डेट इज योर आर्थ्रोपोडा. ओके, रेस्पिरेशन बेटा, दे हैव अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर. सी हाउ मेनी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स दे आर. दे हैव गिल्स, दे हैव बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड दे हैव ट्रैकियल सिस्टम. बेटा बुक गिल्स, बुक लंग्स मीन्स जब आप इनका हम डाइसेशन करते हैं और जो हम इनके गिल्स और लंग्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, दे लुक लाइक अ बुक. दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर दे नेम्ड बुक गिल्स एंड द बुक लंग्स. ओके, सो गिल्स आर सीन इन द प्रॉन्स, बुक गिल्स, लाइमेलिस विच इज योर किंग क्रैब. बेटा किंग क्रैब इज ऑल्सो नोन एज द लिविंग फॉसिल. Now, what is living fossil? Yes or no? Curiosity? What is living fossil? So, beta, living fossil are those organisms who do not show any type of a evolution. वो जैसे आए थे ना अर्थ पे, अभी भी ऐसे ही पड़े हैं, मस्त लेजी दे आर. जोक्स अपार्ट, उन्होंने अभी तक कोई इवोल्यूशन शो नहीं करा है उनके अंदर. और ड्यूरिंग द जैसे वो अर्थ पे प्रिमिटिव आए थे, अब तब से लेके अब तक वो ऐसे ही हैं, उन्होंने कोई भी इवोल्यूशन शो नहीं करा है. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द ह्यूमंस ना, सी बेटा पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एप्स थे, देन वो होमोपथिकस एंड देन सो ऑन, लाइक वी आर नाउ अ होमो सेपियंस. सो वी शो द इवोल्यूशन. दैट्स वाई तो बेटा विकास हम तो नहीं हो गए लिविंग फॉसिल. सो बेटा जो इन्होंने इवोल्यूशन शो नहीं करा था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर नोन एज द लिविंग फॉसिल. बुक लंग सीन इन योर स्कॉर्पियंस एंड द स्पाइडर्स. ट्रैकियल सिस्टम बेटा दे आर सीन इन द इंसेक्ट. ओके बेटा, वेन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉकरोच एंड ऑल ना, सो ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंसेक्ट, अबाउट द ट्रैकियल सिस्टम. ओके, वो बेटा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के अराउंड ना ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया देन फर्दर ओपन होता है ट्रैकियोल्स में, एंड फिर बेटा ट्रैकियोल्स ना डायरेक्टली इंसर्टेड होते हैं टिश्यू के अंदर, वहाँ से ये गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं. ओके, सर्कुलेशन बेटा, देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन बिकॉज यू आर माई स्मार्टेस्ट गेस्ट एंड आई होप कि तुम्हें याद होगा एंथे ए फॉर आर्थ्रोपोडा. एक्सक्रीशन बेटा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर विच इज योर ग्रीन ग्लैंड्स. ग्रीन ग्लैंड्स इज ऑल्सो नोन एज द बेटा एंटीनरी ग्लैंड. बेटा ये प्रॉन्स में देखने के लिए मिलते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स और दी एंटीनरी ग्लैंड्स. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें ग्रीन ग्लैंड्स क्यों बोल रहे हैं और एंटीनरी ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? बेटा जो ये ग्लैंड्स हैं ना एक्सक्रीटरी के, ये प्रॉन्स के एंटीने में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई दे कॉल्ड एंटीनरी ग्लैंड. एंड बेटा दे आर अ ग्रीन कलर, एंड इनका ग्रीन कलर होता है, दैट्स वाई दे नेम एज ग्रीन ग्लैंड्स और दी एंटीनरी ग्लैंड. एंड वेयर दे आर फाउंड बेटा? प्रॉन्स विच इज योर क्रस्टेशियंस. बेटा सिंस दिस प्रॉन्स आर लिविंग इन द वॉटर, सो दे आर दी अमोनोटेलिक, मीन्स दे आर एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया. वॉट इज द एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द प्रॉन्स? एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ प्रॉन इज बेटा अमोनिया. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इट इज योर अमोनोटेलिक. ओके, इज दैट क्लियर? Malpighian tubules you can see in the insects, and in your course you having a cockroach also. Cockroach having a Malpighian tubules, and in the cockroach beta they having a 100 to 150 in number Malpighian tubules, and they are yellow in color. Okay, and what is the waste of this insect beta? Urea. That's why they known as the uricotelic. Coxal glands present in the scorpions and the spider, their excretory waste is uric acid, that's why they known as the uricotelic. ओके बेटा, अगर हम तीनों में बात करें कि कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, सो बेटा अमोनिया इज़ अ वेरी पॉइजनस. दैट्स वाई फॉर देयर डिसॉल्वेशन दिस ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. दैट्स वाई बेटा ये मराइन वाटर, फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, इन्हें जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें डिजॉल्व करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए. तो कहाँ जाएंगे? पानी में जाएंगे? जाओ पानी में, इतना सारा पानी है, डिजॉल्व करो. ठीक है, अमोनिया होता है. यूरिया बेटा इसके कंपैरिजन में वो फिर भी कम टॉक्सिक होता है, और यूरिक एसिड तो बेटा बहुत ही लीस्ट टॉक्सिक होता है. सबसे ज़्यादा अगर टॉक्सिसिटी की बात करें ना, कौन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है? टॉक्सिक है बहुत अमोनिया, एंड देन योर यूरिया एंड यूरिक एसिड बेटा, इट इज़ लीस्ट टॉक्सिक. नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, दे हैविंग अ डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड एंड नर्व रिंग दे हैव. वेरी सिंपल सेंसरी स्ट्रक्चर बेटा, दे हैविंग अ आई फॉर देयर सेंसरी स्ट्रक्चर, एंड दे हैविंग अ टू टाइप ऑफ आई. वन इज द सिंपल आई, एंड अनदर दे हैविंग अ बेटा कंपाउंड आई.
okay, two type of eye they have, simple eye and the compound eye. And for their balancing structure, they having a statocyst. Statocyst is nothing, you know that it is a balancing structure which can help the balancing in the body. Okay, reproduction unisexual, bisexual, both they are. Sexual reproduction and parthenogenesis you can see in this phylum. Now what is the parthenogenesis, beta? In which without fertilization zygote will be formed. Yes, parthenogenesis is that process, beta, in which you can see without fertilization the zygote will be formed. Okay, fertilization usually internal, they are oviparous, means they are beta egg-laying. Egg-laying करते हैं ये, egg-laying animals होते हैं, इसलिए इन्हें हम oviparous बोलते हैं. Viviparous कौन होते हैं बेटा, जो give birth to the young ones, वो आपके viviparous होते हैं. Development बेटा, direct development and the indirect, both type of a development. Direct you know that जो सीधा birth देते हैं young ones को, उनके direct development है. Indirect कौन होते हैं बेटा, जो larval stages को cross करते हैं. और बेटा जो larval stages को cross करते हैं ना, उसको हम metamorphosis बोलते हैं. एक पूरा process होता है ना, उसको हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, metamorphosis. ओके बेटा देखो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ना हमारे पास थ्री टाइप्स की हैं. ओके, दिस इज क्वाइट एक्स्ट्रा, इफ यू वांट टू टेक दिस ज्ञान सो यू कैन टेक इट बेटा. डिफरेंट टाइप ऑफ अ डेवलपमेंट वी हैव. फर्स्ट इज योर अ मेटाबोलस बेटा, सी देयर मीनिंग इज हाइड इन देयर नेम ओनली. अ मेटाबोलस, दे आर अ मेटाबोलस. ए मीन्स बेटा एब्सेंस, एंड द मेटाबोलस रेफर्स टू बेटा मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इज वॉट अ ग्रेजुअल चेंजेस इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी. इज दैट क्लियर? एब्सेंस ऑफ द मेटामॉर्फोसिस मीन्स बेटा जब एक हैच करेगा, जो लार्वा वाली स्टेज आएगी ना बेटा, वो कोई भी मेटामॉर्फिस शो नहीं करेगा. वो जैसा एग हैच होने के बाद है वो वैसा ही रहेगा. हेयर इज एब्सेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर यू सी दिस इन द लेपिज्मा विच इज द सिल्वर फिश. ओके, सेकेंड बेटा यू हैव पोरा मेटाबोलस. नाउ वॉट इज पोरा मेटाबोलस? वॉट हैपन इन दिस बेटा, वी हैव सीन द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. वॉट यू सी बेटा, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. वॉट हैपन बेटा, एग हैच इन टू द nymph stage and nymph stage converted into the adult. Now what is the difference between their nymph stage and the adult stage? Beta, both having a same type of a lifespan, both having a same type of a lifespan, but what is the difference between these, the difference between in their gonads and their some morphological structure, and they are in some morphology. It सी बेटा, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर कॉकरोच. ओके, बिकॉज इट इज गिवन इन योर सिलेबस हो एज वेल एज. बेटा कॉकरोच ले करता है एग को, ठीक है? कॉकरोच ने एग दिए, एग हैच हुए बेटा, वो निम्फ में गए, ठीक है? निम्फ बाद में कन्वर्ट होगा तुम्हारे एडल्ट में. बेटा अब द डिफरेंस कहाँ आता है, जो ये निम्फ और एडल्ट होते हैं दोनों का ना सेम टाइप का लाइफ स्पेन होता है. मतलब अगर तुम्हारा कॉकरोच एडल्ट वाला ओमनीवोरस है तो निम्फ भी ओमनीवोरस होगा. अगर वो नॉक्टर्नल है एडल्ट, तो निम्फ भी नॉक्टर्नल होगा. नॉक्टर्नल मीन्स बेटा जो रात में एक्टिव होते हैं, दोज हु एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट. Most of them you are also a nocturnal, जो रात में जगराते रहते हैं. ओके, सो बेटा निम्फ और एडल्ट. अब नाउ बेटा डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आते हैं कि जो निम्फ होता है उसके पास गोनाड्स नहीं होते, बट एडल्ट्स हैव अ गोनाड्स. जो निम्फ होगा उसके पास विंग पैड्स नहीं होंगे, बट एडल्ट के पास बेटा फुल्ली डेवलप्ड विंग्स होंगे. ओके, एंड बेटा जब एक्स जो निम्फ से एडल्ट वाली स्टेज होती है ना, इट टेक्स वन ईयर. कितने साल ले लेता है बेटा? वन ईयर लेता है. और जो तुम्हारा निम्फ और एडल्ट से जब ये कन्वर्ट करता है, दे शो द मॉल्टिंग अबाउट द 13 टाइम्स. सी 13 टाइम्स, 13 टाइम्स दे शो द मॉल्टिंग. ओके, सो दैट टाइप ऑफ अ मेटामॉर्फोसिस इज द इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट ही नहीं है बेटा, डिफरेंस देखो कितने हैं. एंड एक साल का टाइम ले रहे हैं, 13 बार मोल्डिंग शो कर रहे हैं, जब कहीं जाके एडल्ट होंगे. कुछ तो बेचारे ऐसे ही शहीद हो जाते हैं पेस्टिसाइड में, मर गए ऐसी, है ना? तो बहुत कम ही खुश नुमा लोग ही पहुँच पाते हैं एडल्ट में. नाउ बेटा होलो मेटाबोलस. होलो मीन्स बेटा कम्प्लीट. They show the beta complete metamorphosis, and we have a very beautiful example, which is your butterfly. Egg will hatch into the beta larva,
larva will hatch into the pupa and pupa to it converted into the beta adult butterfly. All of the stages are different from the each other and beta sabka mode of lifespan bhi alag hoga, सबका मोड ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एवरीथिंग आर डिफरेंट. सो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, इसलिए दे आर होलो. आ मेटाबोलस एब्सेंस ऑफ द मेटामॉर्फोसिस, पोरा इनकम्प्लीट, होलो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. जस्ट बेटा जस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल, ओके, बिकॉज इन दिस चैप्टर बेटा एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बेटा लाइक वी हैव अ लॉट्स ऑफ वेराइटी ऑफ अ इंसेक्ट्स, ओके, नॉट ऑल इंसेक्ट्स आर योर बैड बिकॉज सम आर योर बेनिफिशियल ऑल्सो, क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम ह्यूमन वेलफेयर में यूज़ करते हैं. लाइक वी हैव अ हनी बी, हनी बी से हम वैक्स लेते हैं, हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इट इज़ गुड फॉर अस ना. बट हाँ, अगर तुमसे छेड़ोगे तो तुम्हें डंक भी मारेगी. इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट विच फर्स्ट इज योर एपिक्स, दैट इज योर हनी बी. वॉट वी आर गेटिंग फ्रॉम दी हनी बी बेटा, हनी एंड दी बी वैक्स, ओके. नेक्स्ट वी हैव अ बॉम्बेक्स विच इज योर सिल्क वॉर्म एंड देयर प्रोडक्ट इज सिल्क. लैसीफर बेटा इट इज अ लैक इंसेक्ट. बेटा लैसीफर ये लैक इंसेक्ट होता है, ये लैक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी से. एंड ये लैक प्रोडक्ट जो होता है ना बहुत ही शाइनी होता है, जो तुमने बैंगल्स पे शाइनी शाइनी सा सब्सटेंस देखा होगा ना, वो इसी लैसीफर इंसेक्ट से लेते हैं और ये बैंगल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ओके. देयर प्रोडक्ट इज लैक एंड यूज इन दी बैंगल इंडस्ट्री, ओके. नाउ बेटा वी हैव वेक्टर्स टू, यस, नॉट ऑल आर दी गुड, everyone have exception, okay. Like one we have a beta female anopheles mosquito which is the carrier for the malaria, yes or no. Anopheles mosquito carry the plasmodium inside their saliva and beta usse kya disease cause hoti hai, malaria. And also we have a one disease which is your elephantiasis, uski jo carrier hai wo kaun hai, female culex mosquito, yes or no. Wo kya karti hai, jo tumhara filarial worm hota hai uske larva ko carry karti hai and it's called beta fritirasis and it's also known as the filariasis. Why filariasis beta, kyunki jo female culex mosquito hoti hai wo kya carry kar rahi hai, वर्म कैरी कर रही है, कौन सा वर्म, फाइलेरियल वर्म. सो उसके बेसिस पे इसका नाम है फाइलेरियासिस, ओके. नेक्स्ट वी हैव अ बेटा फीमेल एडीज मॉस्किटो विच कॉजेज दी डेंगू, ओके. नेक्स्ट वी हैव अ बेटा ग्रेगेरियस पेस्ट. व्हाट इज द ग्रेगेरियस पेस्ट बेटा, दोज टाइप ऑफ अ इंसेक्ट विच कैन लिव इन दी ग्रुप. सिंस बेटा ये ग्रुप में रहते हैं बट ये ग्रुप में रहने के बाद भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करते. लाइक आंट्स लिव इन दी ग्रुप बट दे आर गोइंग टू हेल्प टू ईच अदर, यस और नो. बट सिंस बेटा ये ग्रुप में रहेंगे और किसी की हेल्प नहीं करेंगे एंड दैट इज योर लोकस्टा विच इज कॉमन नेम इज लोकस्ट. वन यू हैव अ लिविंग फॉसिल एंड यू नो दैट वॉट इज लिविंग फॉसिल, दोज जिन्होंने कोई भी एवोल्यूशन शो नहीं करी है. एंड द एग्जाम्पल इज योर लाइमेलस एंड दी केंकरा, ओके. दैट्स इट फॉर द टूडे बेटा, जस्ट टू रिवाइज दिस फाइलम, दिस इज वेरी स्मॉल फाइलम. इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, लाइक कौन से वैक्टर्स हैं तुम्हारे एंड कौन से तुम्हारे इंसेक्ट हैं विच इज़ यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर एंड कौन से ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं एंड कौन किसको हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं एंड किस में कौन किस तरह की रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है. लाइक आई टोल्ड यू दी दे हैविंग अ बुक गर्ल्स बुक लंग्स and they having a grey and excretory structure में green glands, centenary glands, just and coxal glands, ये सब याद करना. And one more thing बेटा, their exoskeleton is made up of the chitin, that's why they are present in the very large amount, okay. Because बेटा chitin की property ही होती है कि वो water को loss नहीं होने देता, इसलिए बेटा ये extreme condition में भी survive कर सकते हैं. जैसे देखो हर जगह मिल रहे हैं, land, air, water, everywhere, okay. That's it for today, thank you so much.